स्टूडेंट्स ये चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम नंबर सिक्स है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं गिवन दी लीनियर इक्वेशन 2x 3y 8 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट दी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पेयर सो फॉर्मड इज फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस सेकंड पैरल लाइंस एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइंस ठीक है आपके पास एक इक्वेशन गिवन है राइट दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो और आपने दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उन्हें सेटिस्फाइड कर सके फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए दैट मींस कि ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए सेकेंड कंडीशन पैरल आनी चाहिए दोनों लाइंस ग्राफिकली पैरल होनी चाहिए और थर्ड कंडीशन इज को इंसिडेंट होनी चाहिए दैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे मेंशन होनी चाहिए अब ये तीन कंडीशन जो है अगर हमने देखनी है तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आती है ए वन जो है वो नॉट इक्वल टू बी वन B2 आना चाहिए ठीक है अगर A1 वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी राइट सो नेक्स्ट देखते हैं दैट इज पैरल केस में क्या होता है कि अगर तू मेरे पास A1 वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू होगा बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू आएगा तो श्योरली जो लाइन्स हैं वो पैरल होंगी राइट सो पैरल लाइन्स ऑब्जर्व होंगी अब थर्ड कंडीशन क्या आती है कि मेरे पास को इंसिडेंट लाइन्स आनी चाहिए अब को इंसिडेंट के केस में क्या होगा ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू सी वन बाय सी टू राइट तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है वो गिवन है दैट इज एक्स प्लस थ्री वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो अपने सेकेंड जो है वो इस तरह से बनानी है कि ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, दैट विल बी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तो श्योरली ए वन की वैल्यू टू आ रही है राइट बी वन की वैल्यू थ्री आ रही है और C1 की वैल्यू माइनस एट आ रही है राइट right? आपने करना क्या है आपने A2, B2 और C2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है राइट सो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस अब हमारे पास कंडीशन क्या आनी चाहिए ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू होना चाहिए राइट right? तो अगर मैं ए टू की वैल्यू वन पुट कर देती हूं और बी टू की वैल्यू भी वन पुट कर देती हूं तो श्योरली ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू की इक्वल नहीं आएगा यू कैन राइट पुटिंग दैल्यू ऑफ ए टू बी टू एंड सी टू स्टैंड टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ऑब्वियसली ए टू की वैल्यू हम वन पुट कर रहे हैं बी टू की वैल्यू भी मैं वन पुट कर रही हूं और सी टू की वैल्यू भी वन पुट करूंगी राइट right? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इक्वेशन विल बी एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो So, अगर आप इनकी वैल्यू पुट कर दो ए वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है दू राइट बाई वन हो जाएगा इट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी वन दैट इज थ्री बाय ठीक है तो ये कंडीशन हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करेगी अब हम अपना सेकेंड केस देखते हैं दैट इज फॉर पैरेलल लाइंस ऑबियसली वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है टू है बी वन की वैल्यू थ्री आ रही है और सी वन की वैल्यू माइनस एट है राइट तो पैरल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू राइट यू कैन राइट पुट वैल्यू ऑफ ए टू बी टू एंड सी टू इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो ए टू की वैल्यू हम यहाँ पे फोर अज्यूम कर रहे हैं बी टू की वैल्यू ऑब्वियसली सिक्स अज्यूम कर रहे हैं और C2 की वैल्यू वन लूंगी ठीक है अगर ऐसी कंडीशन लूंगी तभी जाके मेरे पास ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू आएगा बट इट विल नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो आप ये वैल्यूज पुट करके देख लो सो ए वन बाय ए टू अगर इसकी बात करूं ए वन की वैल्यू टू है डिवाइडेड बाई ए टू की वैल्यू ऑब्वियसली फोर आ रही है इक्वल टू अब यहां पे बी वन की वैल्यू हमारे पास थ्री है और बी टू की वैल्यू हम सिक्स ले रहे हैं इज नॉट इक्वल टू सी वन की वैल्यू माइनस एट है डिवाइडेड बाय सी टू की वैल्यू मैं वन ले रही हूँ सो टू वन द टू 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 द फोर राइट थ्री वन द थ्री एंड थ्री टू दिक्स सो हमारे पास ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या आ रही है वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू माइनस एट बाई वन सो यू कैन राइट सेकेंड इक्वेजन विल बी ए टू की वैल्यू फोर है फोर एक्स प्लस बी टू की वैल्यू सिक्स है सिक्स वाई प्लस सी टू की वैल्यू हमारे पास वन आ रही है सो श्योरली प्लस वन इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेजन हमारे पास फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो बन जाएगी अब थर्ड कंडीशन देखते हैं फॉर कोइंसिडेंट लाइंस ठीक है अब को इंसिडेंट लाइन के केस में हमारे पास अगर देखो तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या आएगी ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू होना चाहिए राइट सो so, इस केस में ए वन की वैल्यू हम पहली इक्वेशन ही लेंगे टू आ रही है बी वन की वैल्यू थ्री है और सी वन की वैल्यू माइनस एट है अब हमने ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू बनाना है तो इस केस में मैं ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करूंगी सो पुट दी वैल्यू ऑफ ए टू बी टू एंड सी टू इन स्टैंडर्ड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो एज ए टू की वैल्यू हम ऑब्वियसली अगर मुझे सब कुछ इक्वल बनाना है तो इनका डबल लेके चलना होगा सो ए टू की वैल्यू मैं फोर पुट करूंगी बी टू की वैल्यू सिक्स पुट करूंगी और सी टू की वैल्यू मैं माइनस सिक्सटीन पुट करूंगी अब इन वैल्यूज को आप पुट करके ये कंडीशन देख लीजिए सो so ए वन की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं ए वन इज टू डिवाइडेड बाई ए टू फोर आएगा इक्वल टू बी वन थ्री डिवाइडेड बाई बी टू सिक्स आ गया इक्वल टू सी वन माइनस एट डिवाइड बाय माइनस सिक्सटीन आ गया टू वन द टू 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 द फोर थ्री वन द थ्री थ्री टू दिक्स ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया एट वन द एट एट टू दिक्सटीन सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू वन बाय तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी अब हम ए टू बी टू और सी टू की वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे सो इक्वेशन विल बी फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी